नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल बिग जानकारी। आज के इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र जो कि NSE और KVP के नाम से भी पॉपुलर है, इन सर्टिफिकेट्स को किस प्रकार से क्लोज कराया जाता है इसका पूरा प्रोसीडर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स का कॉमेंट आ रहा था कि इन सर्टिफिकेट्स या पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम्स को क्लोज कराने का क्या प्रोसीडर है उनको बताइए, ताकि क्या होता है पोस्ट ऑफिस में अगर आप विजिट करें तो कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई चीज़ की कमी के कारण वह क्लोज नहीं हो पाता है और उनको बार बार विजिट करना पड़ता है। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे पूरा एंड तक तो आपको पता चल जाएगा कि क्लोज कराने के समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहती है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में आपने KVP या NSE में इन्वेस्ट किया है और आपका मैच्योरिटी के समय आप जाते हैं तो आपने जिस पोस्ट ऑफिस में परचेज किया होगा उसी पोस्ट ऑफिस में आपको जाना है क्लोज कराने के लिए। आप अगर दूसरे पोस्ट ऑफिस में चले जाते हैं उन सर्टिफिकेट्स को लेके तो आपका वहां क्लोज नहीं होगा। आप घबराइए मत, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रांसफर हो गया है और आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे इन सर्टिफिकेट को क्लोज करवा सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं बात करूंगा वीडियो के बाद में। तो पहले जान लेते हैं अगर हम अपने सर्टिफिकेट्स को होम ब्रांच में क्लोज कराते हैं तो किस प्रकार से क्लोज करने का प्रोसीड्यूर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो अकाउंट होल्डर है उनका अपना सर्टिफिकेट को पोस्ट ऑफिस लेकर जाना होगा। पोस्ट सर्टिफिकेट के पीछे में आपको सिग्नेचर करना है, ध्यान लिखा होगा सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर, वहां आपको सिग्नेचर करना है। साथ ही आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई भी एक आईडी प्रूफ आप अपने साथ ले जा सकते हैं, ताकि इन केस ऑफ आपका सिग्नेचर मिसमैच हो तो वहां आपको वेरीफाई कर सके। साथ ही अगर आप ओरिजिनल भी ले जाते हैं तो और बेटर होगा, डिपेंड करता है पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस उनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो इजीली आपका वो पेमेंट हो जाएगा, मैच्योरिटी का आपको मिल आपका अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ जो आपका पेमेंट है किस प्रकार से होता है, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में ही सेविंग्स अकाउंट है तो वह पेमेंट आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर आपने अभी सेविंग्स अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आपको चेक मिल जाएगा उस क्लोजर के बाबत में, NSE या KVP जो आपका अकाउंट क्लोज होगा उसके अगेंस्ट आपको चेक दे दिया जाएगा। अब ये चेक जो है ये भी डिपेंड करता है पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस, कौन से पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट आपने ओपन किया था और वहां ये चेक पेमेंट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है वो डिपेंड करता है। तो इजीली, और अगर आपका 20,000 से नीचे का पेमेंट है तो आप कोई भी पोस्ट ऑफिस से कैश भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड बात कर लेते हैं, अगर आपका ट्रांसफर हो गया है, आपने एक पोस्ट ऑफिस से परचेस किया था पर आपका, क्योंकि जैसे NSE 5 साल का होता है और KVP 8.5 से 9, 9.5 साल का अलग अलग टाइम का जो था, तो जब मैच्योरिटी का समय आता है और उतना पीरियड में आपका ट्रांसफर हो जाता है कोई भी कारण से, जॉब के वजह से या आप शिफ्ट हो जाते हैं कोई सिटी में या अलग स्टेट में, तो आप उस केस में उस सिटी या उस स्टेट में जाकर तो KVP NSE को क्लोज नहीं कराएंगे। तो आप ये कर सकते हैं, आप उस स्टेट के नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर उस सर्टिफिकेट को पहले ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आपका उस होम ब्रांच से जब उस स्टेट के नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये ट्रांसफ़र होने का प्रक्रिया में करीबन 20 से 30 दिन का समय लग जाता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप सब पोस्ट ऑफिस या हेड पोस्ट ऑफिस में दे रहे हैं, ट्रांसफ़र फॉर्म भर के आप जब अप्लाई कर देंगे तो 20 से 30 दिन में आपका सर्टिफिकेट जो है ट्रांसफ़र होकर आ जाएगा। ट्रांसफ़र होकर आने के बाद अब आपका जो सर्टिफिकेट है वहाँ के उस पोस्ट इसके लिए वो होम ब्रांच हो गया, तो आप इजीली आसानी से इस सर्टिफिकेट को क्लोज करवा सकते हैं। इसमें भी आपको वही सेम फॉलो रूल करना है, इसमें आपको सर्टिफिकेट के पीछे सिग्नेचर करना है, साथ ही आप इस सर्टिफिकेट के साथ अपनी एक आईडी प्रूफ ले जाए, एक जेरोक्स ले जाए, एक ओरिजिनल ले जाए, अगर वो डिमांड करते हैं तो आप उनको ये दिखा सकते हैं और इस अमाउंट को आप अपने पोस्ट सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है। दोस्तों, अगर सेविंग्स अकाउंट आप खोल लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आप अगर पोस्ट ऑफिस में किसी भी स्कीम में निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो आप एक सेविंग्स अकाउंट जरूर से खोल लीजिए। वो सेविंग्स अकाउंट खोल लेने से आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो आप उसमें इजीली ट्रांसफर करा के तुरंत कैश विड्रॉ कर सकते हैं, पर अगर आपका सेविंग्स अकाउंट नहीं है तो आपको उस NSE या KVP के बदले में आपको चेक दिया जाएगा। उस चेक को लेके आप अपने बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट करेंगे और डिपॉजिट होने के बाद वहां पे 2 से 4 दिन का समय लगता है क्लियर होने में। तो करीबन आप सोच लीजिए आपको अपना पेमेंट मिलने के लिए 4-5 दिन का समय लग जाएगा, पर वहीं अगर आप सेविंग्स अकाउंट रखते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आप इजीली तुरंत इसमें क्लोज करा के विड्रॉ करा सकते हैं। और अगर आपका 20,000 से नीचे का मैच्योरिटी अमाउंट है तो आप कैश भी ले सकते हैं।
दोस्तों मैं यहाँ और एक चीज बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स का ये कमेंट भी आता है कि क्या हम अपने मैच्योरिटी को बैंक अकाउंट में NEFT या RTGS नहीं करा सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये पोस्ट ऑफिस में सर्विस चालू नहीं हुई है, पर उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे ये भी फैसिलिटी आ जाएगी। जब आपका मैच्योरिटी होगा तो आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट इसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये फैसिलिटी आएगी या नहीं मुझे पता नहीं, पर उम्मीद ये करता हूँ कि जैसे डिजिटल का जमाना चल रहा है, इंटरनेट बैंकिंग और सब मोबाइल बैंकिंग आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये प्रोसीड्यूर भी आ गया जल्द चालू कर दी जाएगी, तो आपका पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र के क्लोजर प्रोसीड्यूर के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे पाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग जब लाइक करते हैं वीडियोस को तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियोस लाने के लिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जहां आप करना चाहें वहां शेयर करके ये इंफॉर्मेटिव जो नॉलेज है, वीडियोस है, उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इन सब वीडियो से बेनिफिट पा सके। और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे जो लाल कलर का बटन है, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।